गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. दिस इज अवर सोशल स्टडीज बुक ग्लॉब ट्रॉटर्स फॉर क्लास थर्ड. सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट डिस्कस कर लिया था. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे विलेज लेवल पे विलेज पंचायत एंड टाउन्स एंड सिटीज लेवल पे म्यूनिसिपल कमिटीज काम करती हैं और जो हमारी बेसिक एमेनिटीज हैं यानी कि बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाता है, कहाँ से फंड आता है और उनके क्या क्या बाकी के फंक्शंस हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था. आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर. टिक करना है हमें जो सही आंसर है उसको. व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ अ ग्राम पंचायत. एक ग्राम पंचायत का मेंबर होने के लिए आपके पास क्या मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है? तो हमने पढ़ा था कि 18 ईयर इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ अ ग्राम पंचायत. कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष हो, ना तो 17 ना 21, कितनी हो मिनिमम 18 ईयर्स. तो 18 ईयर्स इज द राइट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द डैश, सरपंच, प्रधान या बोथ. तो ग्राम पंचायत के हेड को हम क्या बोलते हैं? सरपंच भी बोलते हैं और प्रधान भी बोलते हैं. तो हम इन दोनों को टिक नहीं करेंगे. ऑप्शन सी का मतलब ही क्या है कि ये दोनों ही बोलते हैं, तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, विच मीन्स बोथ, दोनों ही बोलते हैं हम. ठीक है. नेक्स्ट, द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड द मेयर, काउंसिलर, चेयरमैन. तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मेयर. ठीक है ना? तो मेयर इज द राइट आंसर. एक बार दोबारा से मैं आपको यहां से बता देती हूँ सब कुछ. देखो, जो म्युनिसिपल कमिटी होती है उसमें 18 ईयर से ज्यादा के जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, वही इलेक्ट करते हैं. और कम से कम मिनिमम आपकी 18 ईयर या उससे ज्यादा की एज होनी चाहिए. तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं कमिटी के वो क्या कहलाते हैं? काउंसिलर, जो इलेक्ट हुए हैं. फिर उन्होंने अपना एक हेड बनाया जिसको क्या बोलेंगे? चेयरमैन. पर जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पे म्युनिसिपल कमिटी को ही क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बिग सिटीज में म्युनिसिपल कमिटी का हेड कौन हुआ? एक तरीके से देखेंगे तो मेयर होता है. ठीक है ना? म्युनिसिपल कमिटी को बिग सिटीज में क्या बोला जाता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. तो हमसे पूछा था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है, तो कौन होता है? मेयर. तो कंफ्यूज नहीं होंगे, काउंसिलर होगा या चेयरमैन होगा. ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, इनके हेल्प से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. ऑलराइट, तो देखेंगे. इन विलेजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सिविक एमेनिटीज टू पीपल इज ऑन ग्राम डैश. तो गांव में ये जिम्मेदारी कि लोगों की जो बेसिक एमेनिटीज हैं, जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको कौन पूरा करेगा? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की. ठीक है ना? तो आंसर इज ग्राम पंचायत, PANCHAYAT, ग्राम पंचायत. नेक्स्ट देखते हैं. द मेंबर्स ऑफ अ ग्राम पंचायत होल्ड डिस्कशन फॉर द डैश ऑफ द विलेज. तो जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं, हमने ये चीज देखी थी. पर वो डिस्कशन किस चीज की करते हैं? विलेज में क्या हो, तो विकास हो, इसी के लिए वो डिस्कशन करते हैं. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज. तो लिखेंगे DEVELOPMENT, डेवलपमेंट ऑफ विलेज. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंट्स ग्राम डैश एंड ग्राम डैश टू हेल्प द विलेज पंचायत.
गवर्नमेंट किस किस को अपॉइंट करती है ताकि वो विलेज पंचायत की मदद करे, तो हमने देखा था मेल को हम सेवक बोलते हैं, फीमेल को हम सेविका बोलते हैं, और यही दो पर्सन होते हैं जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ताकि वो विलेज पंचायत की हेल्प कर सके। तो द गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंट्स ग्राम सेवक, स्पेलिंग लिखेंगे SEVAKS, ग्राम सेवक, एंड फीमेल क्या चाहिए, ग्राम सेविकास, SEVIKAS, ग्राम सेविकास, टू हेल्प द विलेज पंचायत। नेक्स्ट देखते हैं, ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी इज कॉल्ड अ, तो अब देखो यहां से बताओ मेयर बोलेंगे, काउंसिलर बोलेंगे या चेयरमैन बोलेंगे। तो जो म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, काउंसिलर बोलते हैं, और जो काउंसिलर का हेड होगा उसको हम चेयरमैन बोलेंगे, ठीक है ना। तो म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर को हम क्या बोलेंगे, काउंसिलर, COUNCILOR, काउंसिलर। नेक्स्ट देखते हैं, द हेड ऑफ अ म्युनिसिपल कमेटी इज कॉल्ड द डैश। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि म्युनिसिपल कमेटी के हेड को हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, है ना। तो लिखेंगे CHAIRMAN, चेयरमैन। तो ये हुए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सिविक एमेनिटीज। तो सिविक एमेनिटीज क्या होती है, तो जो गवर्नमेंट लोगों को रहने के लिए सुख सुविधाएं देती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम सिविक एमेनिटीज बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना और कंप्लीट भी करना है हमें। तो लिखते हैं द फैसिलिटीज, FACILITIES, द फैसिलिटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, टू मीट द बेसिक नीड्स, ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे, ऑफ पीपल आर कॉल्ड सिविक एमेनिटीज, ठीक है। वो फैसिलिटी जो कि सरकार देती है किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, सॉरी, वो फैसिलिटीज जो सरकार देती है ताकि बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके लोगों की, टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड सिविक एमेनिटीज, उसे क्या बोलते हैं, हम सिविक एमेनिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। तो कौन इलेक्ट करता है ग्राम पंचायत के मेंबर को, ग्राम सभा के मेंबर, ठीक है ना, जो कि 18 ईयर से ज्यादा एज होती है जिनकी। तो मेंबर लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा हैविंग एज 18 ईयर्स और ABOV अबाव इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, PANCHAYAT। तो एक बार दोबारा से इसे देख लेंगे, द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के मेंबर, हैविंग एज 18 ईयर्स और अबाव, जिनकी उम्र या तो 18 साल है या उससे ज्यादा है, वो इलेक्ट करते हैं, ELECT, इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम
पंचायत, ग्राम पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, राइट एनी फोर फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के फोर फंक्शन हमें लिखने हैं, यहाँ तो नहीं आएंगे तो हम अभी इसको छोड़ के चलते हैं दो मिनट के लिए। राइट एनी फोर फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कमेटी, ओके। तो यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी के लिखने हैं, और फिर इसको भी अभी दो मिनट के लिए होल्ड कर लो। पहले देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डो म्युनिसिपल कमिटीज गॉट मनी फ्रॉम टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो म्युनिसिपल कमेटी को कहाँ से पैसा मिलता है जिसकी वजह से वो लोगों तक सुख सुविधाएं पहुंचाती है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। तो ओके, लिखते हैं म्युनिसिपल, MUNICIPAL, म्युनिसिपल कमिटी कलेक्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ हाउस टैक्स, रोड टैक्स, वाटर टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। और साथ में और कौन देता है, गवर्नमेंट भी तो देती है ना। तो लिखेंगे द स्टेट गवर्नमेंट, GOVERNMENT, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो प्रोवाइड फंड्स, FUNDS, फंड्स टू म्युनिसिपल, MUNICIPAL, म्युनिसिपल कमिटीज, COMMITES, अंडर वेरियस हेल्थ, यही लिख लेंगे नीचे, HEALTH, हेल्थ नहीं सॉरी वेल्थ आएगा ना, वेल्थ स्कीम के अंडर देती है, या फिर जो वेलफेयर के कामकाज होते हैं उनके लिए देती है। तो एक सेकेंड इसको करेक्ट कर लेंगे, अंडर वेरियस वेलफेयर, जो समाज की भलाई के लिए काम होते हैं उनको वेलफेयर बोलते हैं। तो WELFARE, वेलफेयर स्कीम्स, SCHEMES। दोबारा से देखेंगे, म्युनिसिपल कमिटी कलेक्ट्स मनी इन द फॉर्म ऑफ हाउस टैक्स, रोड टैक्स, वाटर टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। म्युनिसिपल कमिटी को मनी कहाँ से मिलता है, हाउस टैक्स के फॉर्म में मिलता है, रोड टैक्स की फॉर्म में, वाटर टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स की फॉर्म में पैसे मिलते हैं। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो प्रोवाइड फंड्स टू द म्युनिसिपल कमिटीज अंडर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी म्युनिसिपल कमिटी को फंड्स प्रोवाइड करती है बहुत सारी स्कीम्स के अंडर, जो कि भलाई के कामों के अंदर बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट भी देती है स्टेट गवर्नमेंट, ताकि वो अपना वेलफेयर कर सके, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे अभी दो क्वेश्चन बाकी हैं, वो भी हम करेंगे। एक बार हम ये देख लेते हैं, ओके, ये एक्टिविटी है, इसको आप खुद से करेंगे। फिल इन द ब्लैंक, आई लिव इन अ विलेज टाउन सिटी, आप जहाँ रहते हैं वहीं लिखेंगे। मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो आप सब मेरा ही लिख देते हैं। अगर मेरा नाम भी है तो आधे बच्चे क्या करते हैं, मेरा ही नाम लिख देते हैं। मेरा नहीं लिखना, आपको अपना लिखना है। अगर आप गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वो मैंशन करेंगे, ठीक है। 3 इम्पॉर्टेंट सिविक एमेनिटीज दैट वी गेट आर, तो 3 बेसिक एमेनिटीज जो कि आपको मिलती हैं वो आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कस की हैं। तो उसमें से आपको जो ठीक लगेगा वो आप खुद से लिखेंगे, मैं चेक करूंगी और इसमें मैं मार्क्स भी दूंगी, ठीक है। तो देखती हूँ कितने बच्चे करते हैं, कितने बच्चे नहीं करते। उसके बाद अनस्क्रैम्बल वर्ड्स भी कर लेते हैं, वर्ड फन देखेंगे। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स, तो यहाँ पे
ये फोर वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको ठीक करके आप खुद से लिखेंगे, मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है ना? तो अभी आप खुद से फिल करेंगे इसे। और अब हम डिस्कस करते हैं हमारे ये दो क्वेश्चंस। तो मैं एक बार स्पेस देख लेती हूँ अच्छे से, जहां स्पेस होगा। तो स्पेस तो इतना नहीं है। एक काम करते हैं, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कमेटी के हमें लिखने हैं 4-4, यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है? यहाँ जितना भी स्पेस है साइड में, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आंसर 3, ठीक है? स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? द फोर फंक्शंस, द फोर फंक्शंस ऑफ आ, किसके लिखने हैं? ग्राम पंचायत के, ऑफ आ ग्राम पंचायत आर, क्या क्या हैं? और फंक्शन अब यहाँ लिख देंगे हम। फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? सबसे पहले तो विलेज को साफ सुथरा रखना, ग्राम पंचायत का काम यही है ना? तो लिखेंगे कीपिंग, keeping, कीपिंग द विलेज, village, विलेज नीट एंड क्लीन, clean, ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसके ही साथ लिखेंगे। दूसरा, रोडों की मरम्मत करने का भी काम किसका है? ग्राम पंचायत का। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्टिंग, constructing, कंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयरिंग मतलब ठीक करना, repairing रिपेयरिंग roads, roads, रोड्स, ठीक है? उसके बाद स्कूल में मतलब गांव में स्कूल चलाना भी एक काम किसका है? ग्राम पंचायत का है। तो लिखेंगे रनिंग, running रनिंग प्राइमरी, primary प्राइमरी स्कूल्स, SCHOOLS, ठीक है? रनिंग प्राइमरी स्कूल्स फॉर द WILLAGE विलेज चिल्ड्रन, CHILDREN गांव के बच्चों के लिए स्कूल चलाना, ठीक है? प्राइमरी छोटे बच्चों के लिए, ताकि क्योंकि वो बाहर भी नहीं जा सकते, ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते, इसीलिए उनके घर के पास ही उन्हें स्कूल प्रोवाइड करना। और एक और लिखना है हमें, तो हम हेल्थ सेक्टर का लिख देते हैं। लिखेंगे सेटिंग, SETTING सेटिंग अप हेल्थ, HEALTH हेल्थ सेंटर्स, CENTRES सेंटर्स एंड टू प्रोवाइड, PROVIDE प्रोवाइड मेडिकल, MEDICAL मेडिकल हेल्प टू द विलेजर, WILLAGES विलेज डिस्पेंसरीज, DISPENSARIES तो क्या हो गया? सेटिंग अप हेल्थ सेंटर्स एंड टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू द विलेज डिस्पेंसरी, कि गांव में हेल्थ सेंटर खोलना जहां पे लोग अपनी बीमारियों का पता लगा सकें, जो भी बीमारी है उसका मेडिकल चेकअप हो सके, और वहां पे विलेज में डिस्पेंसरी भी प्रोवाइड कर सके, दवाइयां भी, डॉक्टर भी अवेलेबल हो और मेडिसिन भी अवेलेबल हो, इस चीज का भी ध्यान रखा जा सके, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बाकी था, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ अ म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी के 4 फंक्शन लिखने हैं। तो लिखेंगे द 4 फंक्शंस ऑफ किसके, अ म्युनिसिपल, MUNICIPAL म्युनिसिपल कमेटी
COMMITTE कमिटी आर। क्या क्या है तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे ठीक है ना। आंसर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहला तो पानी पीने का, साफ पानी प्रोवाइड करवाना है ना, तो लिखेंगे प्रोवाइडिंग, PROVIDING, प्रोवाइडिंग सेफ, SAFE, सेफ ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग वाटर, WATER, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, हेल्थ सेंटर और डिस्पेंसरी चलाना, तो लिखेंगे रनिंग, RUNNING, रनिंग हेल्थ, HELTH, हेल्थ सेंटर्स, CENTRES, सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, DISPENSARIES, डिस्पेंसरीज। नेक्स्ट थर्ड क्या है, स्ट्रीट लाइट जैसे खराब हो जाती है तो वो भी ठीक करवाने का काम किसका है, म्युनिसिपल कमिटी का ही तो है ना, तो लिखेंगे इंस्टॉलिंग, INSTALLING, इंस्टॉलिंग स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट लाइट्स, LIGHTS, स्ट्रीट लाइट्स। और फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ नीचे ठीक है, यहाँ लिखते हैं जब किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी भी आदमी की मृत्यु होती है तो उसका भी रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, म्युनिसिपल कमिटी ही रखती है ठीक है ना, तो लिखेंगे रजिस्ट्रिंग, REGISTERING, रजिस्ट्रिंग बर्थ, BIRTH, बर्थ एंड डेथ, DEATH, डेथ्स, सभी जन्मों को और जितने भी मृत्यु हुई हैं उन सभी को रजिस्टर करने का भी काम किसका होता है, म्युनिसिपल कमेटी का। तो ये 4 फंक्शंस किसके हुए, म्युनिसिपल कमेटी के। इससे पहले जो 4 फीचर्स हमने देखे थे, फंक्शंस देखे थे, वो हमने किसके देखे थे, विलेज पंचायत के ठीक है। अब आपका काम क्या रहेगा, ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट करोगे ही, साथ में इसे लर्न भी करोगे और ये एक्टिविटी खुद से फिल करोगे, और वर्ड फन ये भी आप खुद से फिल करोगे। 2, 2, 2, 2 कितने हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये रहेंगे आपके 16 मार्क्स ठीक है ना, खुद से फिल अप करोगे इसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अच्छे से इसको फिल कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ डील करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 11, दिल्ली। दिल्ली हमारी कंट्री का सेंटर भी है, कैपिटल भी है, इतना तो हम सबको ही पता है, और क्या क्या खास बातें हैं ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।